देखिए उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि संदर्भ में क्या दिया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज जो अभिभाषण पढ़ा गया है उस पर ही मैं अपनी बात दो मिनट और रखूँगा कि इन्होंने तो कह दिया अपराध मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो गया है, अकाल मुक्त हो गया है और राम राज कायम हो गया है, तो फिर 5 साल सरकार चलाने की ज़रूरत क्या, जब आज के पहले अभिभाषण में महामहिम से कहलवा दिया नशा मुक्त राजस्थान बना देंगे, तो क्या ये शराब बंद कर रहे हैं? नशा मुक्त तो तभी होगा जब आप नशे को बंद करोगे और शराब नीति लाकर के इसको शराब को बंद करोगे तब नशा मुक्त होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके की आज परंपरा इनके द्वारा डाली गई है अभिभाषण में, उसमें राजनीतिक बू आती है और उन्होंने पूरी की पूरी जो सदन की गरिमाएँ हैं उनको ठेस पहुंचाने का काम किया है। जो हमारे यहाँ की संविधान की और राजस्थान के विधानसभा की परंपराएं हैं उनको तोड़ने का काम किया है और महामहिम जैसे उच्च पद के व्यक्ति से इस प्रकार की अनर्गल बातें जिनका कोई आधार नहीं था सब पूरी सरकार को भ्रष्टाचारी बता दिया। तो फिर आप बैठे क्या कर रहे हो 1.5 महीने में, आप बताओ, कभी आपका हीटर का तार जल रहा है, कभी आपको धमकी मिल रही है, कभी आपको जो है वो सतश्री अकाल की जगह सतसत अकाल निकल रहा है, कभी आप भ्रष्टाचार पूरा का पूरा करेंगे राजस्थान में ये मुख्यमंत्री के श्रीमुख से निकल रहा है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है इस राजस्थान में? मुझे लगता है कि जो पर्ची से मुख्यमंत्री बना है उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने कोई किसी तरह का उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है, दिल्ली से आते हैं छप करके और यहाँ पर कोई न कोई पढ़ देता है। आज महामहिम राज्यपाल से पढ़वाया गया, कल किसी मंत्री से पढ़वाया जाएगा। आपने देखा राज्यपाल के अभिभाषण में नरेंद्र मोदी राजस्थान में ये करेंगे, राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ये करेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे देश का विजन लोकसभा में देना चाहिए। यहाँ पर ये राजस्थान की सरकार जो भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी है उनका क्या विजन है वो पेश करना चाहिए, वो विजन पेश नहीं कर पाए। सर आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे योजनाओं में, सारी योजनाओं में कमियां गिना रहे थे, तो फिर राज्यपाल जी क्या कर रहे थे? राज्यपाल जी ने कभी चिट्ठी लिखी, कभी अपनी आपत्ति दर्ज कराई? यही राज्यपाल जी पिछला अभिभाषण पढ़ लीजिए, इन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना है ना, स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इतनी शानदार है, इतने कारगर है, इतने लोगों को लाभ दे रही है, तो वो कहाँ से फिर कैसे कह दिया उन्होंने? उसके तो आंकड़े थे। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बता दिया, उनके पास कोई आंकड़े मौजूद थोड़ी थे उनको। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरे 5 साल सरकार दिल्ली से चलेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई नहीं हो सकता। ये भी था कि आपने 5 साल लेके राजनीति की, रिफाइनरी का दाम को 35,000 करोड़ कई सालों तक उसको पूरा करने के बाद कई दो पीढ़ियां निकल जाती है, बात भी क्या मैं कह रहा हूँ ना, झूठ का पुलिंदा पड़ा है उन्होंने। एक एक बात का मैं जवाब दूं तो शाम हो जाएगी और हम लोग जब अभिभाषण के ऊपर बहस होगी अपना पक्ष रखेंगे तो इनकी हर बात का जवाब भी देंगे और इनसे सवाल भी पूछेंगे। सर ये कह रहे हैं चंबल रिवर फ्रंट के अंदर काला हुआ और उसमें जो मूर्तियां बनाई गई अशोक गहलोत जी की, शांति धारीवाल जी की, वो गलत है, उसकी जांच कराएंगे, क्या कहेंगे आप? राजस्थान की विधानसभा में भी लगी हुई है, उनकी भी जांच करा लो। और भी करो, ये नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से महिमा मंडन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसकी जांच भी करा लो। अभी तो ये पीएम केयर फंड की जांच नहीं करा पाए, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लाखों हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जो लेकर के दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का, उसकी जांच कराने को तैयार नहीं है। और इनको मूर्ति दिख गई और प्रधानमंत्री केयर फंड नहीं दिखा इनको, क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने? देखेंगे आने वाले समय में, देखना जज के फटकारी चेपेंगे।